दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का खजब समाचार में। दोस्तों अगर आप बिग बॉस के फैन हैं और आप जानना चाहते हैं शिवकांत गौतम और मन्नू पंजाबी के रिव्यू का रिव्यू, यानी कि इन लोगों ने यहाँ अपने रिव्यू में क्या कहा है, क्या गलतियाँ की हैं, किसका साथ दिया है, किसको यहाँ बेवजह टारगेट किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि इस वीडियो में यहाँ हम इन्हीं दोनों की बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मनु पंजाबी की। तो मनु पंजाबी जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं, यहाँ अपने दर्शकों को बताते हैं कि वो जो है 500 किलोमीटर चलकर आए हैं, तो वो यहाँ अपनी ड्यूटी को बखूबी समझते हैं, अपनी जॉब को कर रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ आने का काम है, तो वो जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जग कर आए हैं। बहरहाल यहाँ ज़्यादा समय उस बात पर वो लेते नहीं हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ मनु पंजाबी ने आज जो टॉपिक उठाए हैं उन टॉपिक पर यहाँ बात जो करी है वो काफ़ी शानदार बात करी है, उस पर उनकी यहाँ तारीफ बनती है, लेकिन उन्होंने यहाँ कई सारे मुद्दे उठाए ही नहीं है। एक बार फिर से यहाँ मन्नू पंजाबी सिर्फ उन्हीं बातों को कर रहे हैं जो कि एपिसोड में हमें दिखाई गई हैं, जिन पर कि यहाँ सलमान खान ने हमसे बात करी है, लेकिन हमें अगर आप व्यूअर हो, अगर आप रिव्यूअर हो, तो उन टॉपिक्स को भी उठाना चाहिए जो कि पूरे हफ्ते हुए हैं जिस पर कि यहाँ सलमान खान को बात करनी चाहिए थी, लेकिन सलमान खान ने बात नहीं करी। तो उन टॉपिक के बारे में कम से कम आप ये तो कह सकते थे कि जो मुद्दे आपने उठाए हैं उनसे कई सारे बड़े बड़े मुद्दे बचे हुए थे, और आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो एकदम बकवास मुद्दे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा एमसी स्टैन और जो शालिन की फाइट थी, ये मुद्दा सूमड़ी में सिमटा दिया गया। एमसी स्टैन को जो 4 हफ्ते की सजा मिली है वो सूमड़ी में दे दी गई कि एमसी स्टैन मैं तुझे बता दे रहा हूँ, जो तो ये अभी तक बिग बॉस ने भी नहीं बताया है कि तू जो है 4 हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो चुका है। तो यहाँ इस मुद्दे को सूमड़ी में सिमटा दिया गया। मुद्दा क्या उठाया गया, सुंबुल ऑब्सेस्ड है, इस मुद्दे को यहाँ पूरे एक एपिसोड में चलाया गया। दूसरा मुद्दा क्या उठाया गया, प्रियंका गलत है। प्रियंका ऑब्वियसली गलत लग रही थी, लेकिन प्रियंका का जो मुद्दा था वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, मैं एक बार फिर से वही कह रहा हूँ। और यहाँ तीसरा सबसे बेहुदा जो मुद्दा उठाया गया वो उठाया गया कि निमृत आप जो है खेल नहीं रही हो। अब ये मुद्दा आप अगर ना कहें कि यहाँ निमृत को फेवर किया जा रहा है तो कैसे ना कहें आप, मतलब जनता जो कह रही है कि यहाँ निमृत जो अपने ननिहाल में आई है वो कहीं ना कहीं सही ही कह रही है, क्योंकि निमृत को वाकई में पहले ही दिन से यहाँ फेवर किया जा रहा है और उसके फेवर के लिए ही ये मुद्दा उठाया गया, उसको यहाँ चार्जअप किया गया। और इसके बाद में आपने देखा भी होगा किस तरीके से उन्होंने प्रियंका चाहर को टारगेट किया, उसके बाद में वो चार्ज उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपना गेम अब दिखाऊंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ तीनों ही जो मुद्दे थे वो बेहूदे उठाए गए। कहीं ना कहीं अगर पहले वाले 2 मुद्दों को मान भी लिया जाए और उन पर बात भी करी जाए तो इतना नहीं खींचना चाहिए था। यहाँ मनु पंजाबी को ये सारी बातें कहनी थी अपने रिव्यू में। यहाँ मनु पंजाबी को ये भी बताना था कि शिव ने जो चेहरा पकड़ा था शालीन का वो गलत था, वो उन्होंने नहीं कहा। एमसी स्टैंड वाले मुद्दे को सुमड़ी में सिलटा दिया गया। यहाँ साजिद खान धमकियाँ देते हैं एक लड़की को शो से निकालने की, उसकी औकात पर जाते हैं। अर्चना गौतम के कपड़ों को फेंक दिया जाता है। कैप्टनसी में बायसनेस दिखाई जाती है। अर्चना गौतम कैप्टन की बात नहीं करती है, कैप्टन की बात नहीं मानती है, ये मुद्दे उठाए ही नहीं गए और इस पर यहाँ मन्नू पंजाबी ने भी बात नहीं करी है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जिन मुद्दों पर यहाँ मन्नू पंजाबी ने बात करी है वो क्लियर और क्रिस्टल देखने को मिली है, वो यहाँ जबरदस्त लग रहे हैं। वहीं हम आपको बताते हैं कि यहाँ आज के रिव्यू की बात करें तो शालिन भनोट एक बार फिर से अपनी वही एक्टिंग हमें करते हुए नजर आए। आपने एपिसोड देखा होगा किस तरीके से गौतम इसके जाते ही वो जो है यहाँ सौंदर्या पर ट्राई मारते हुए नजर आए, किस तरीके से उन्होंने सुमुल को एक बार फिर से अपने झांसे में लेने की पूरी पूरी कोशिश कर दी है। हालांकि यहाँ प्रोमो दिखा दिया गया है कि एक बार फिर से उनके पापा आ रहे हैं, फिर से कहेंगे कि आप जो है टीना और शालिन को उनकी बेटा अब औकात दिखाओ। अब देखते हैं क्या सुमुल जागती है या फिर नहीं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि सुमुल जागेगी, क्योंकि सुमुल इतने समझाने के बावजूद भी अगर नहीं मान रही है तो मुझे नहीं लगता कि सुमुल कभी समझ पाएगी। अब वो इतनी अनसमझ है ये क्या है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है।
अब बात करते हैं यहाँ मनु पंजाबी की, तो मनु पंजाबी ने ये मुद्दे नहीं उठाए जो कि उन्हें उठाने चाहिए थे, लेकिन जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो यहाँ जबरदस्त दिखे हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने यहाँ क्लास लगाई है टीना की, यहाँ क्लास लगाई है उन्होंने शालीन की, यहाँ उन्होंने जो प्रियंका को लेकर सलमान खान ने गलत कहा उस मुद्दे से शुरुआत करी, जो कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। लेकिन मनु भाई आप उन पर भी बात कर सकते थे जो मुद्दे नहीं उठाए गए। अब बात करें यहाँ शिवकांत गौतम की, तो शिवकांत गौतम ने वो मुद्दे उठाए, उनके बारे में बातचीत करी है जिनको इग्नोर किया गया। शिवकांत गौतम ने यहाँ कहा है कि इन मुद्दों को यहाँ उठाया जाना चाहिए था, जो कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि इन लोगों ने यहाँ बात नहीं करी, लेकिन आज यहाँ शिवकांत गौतम ने उन मुद्दों पर यहाँ बातचीत करने की कोशिश करी है, उन मुद्दों के बारे में यहाँ अपनी ऑडियंस को जो कि उन्हें देखने आती है, जो कि उनके पास लाखों व्यू आते हैं, उनको ये कब समझाया है कि भाई साहब वो मुद्दे ज़्यादा बड़े थे, ये मुद्दे यहाँ जो उठाए गए वो फालतू के मुद्दे थे। लेकिन यहाँ शिवकांत गौतम का कहना है के सुमुल के पापा आखिर क्यों आ रहे हैं, सुमुल के पापा ने दूसरे ही हफ्ते में आकर गेम खराब कर दिया। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई में सुमुल के पापा ने सुमुल का गेम खराब किया है, क्योंकि अगर मेकर्स द्वारा कॉल जाता है सुमुल के पापा को कि भाई साहब आप आइए, आपकी बेटी को आप समझा सकते हैं खुद आकर, सलमान खान से हम समझवा देंगे लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, तो क्या कोई बाप मना करेगा क्या कि मैं अपनी बेटी को समझाऊं या ना समझाऊं? मुझे नहीं लगता कि कोई बाप मना करेगा कि मैं नहीं आ रहा भाई साहब, मुझे नहीं समझाना अपनी बेटी को, जबकि बेटी इतनी छोटी है और बेटी इतनी ना समझ है, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि मेरी बेटी जो है मेरी बात मान सकती है और मेरी बेटी ने जो किया है वो गलत है। हमने देखा ही किस तरीके से उन्होंने बताया, अपनी बेटी को भी कहा कि तू जो है एकदम से लॉस्ट है, तो ये समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो है जब यहाँ आए थे तब। और अब यहाँ जो प्रोमो आया है उसमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि टीना और शालीन को उनकी औकात दिखाओ। इस पर यहाँ शिवकांत गौतम कह रहे हैं कि भाई साहब क्या औकात दिखाओगे आप, आपकी बेटी की ही गलती है, आपकी बेटी ही नहीं समझ रही है, आपकी बेटी ही यहाँ बेवकूफियां कर रही है। तो मान लिया शिवकांत गौतम की एक बात से हम सहमत हैं कि हाँ यहाँ सुमुल जो है कहीं ना कहीं गलतियां कर रही है, लेकिन उसके पापा अगर समझाने ना आएंगे तो फिर क्या है, मतलब समझाने क्यों ना आए वो, अगर उनको कभी भी चांस मिलेगा कि मेरी बेटी यहाँ तक गलत गई है तो वो हमेशा समझाने की कोशिश ही करेंगे। और उन्होंने यहाँ सुमुल का कोई गेम खराब नहीं किया है, सुमुल का जो गेम खराब किया है वो खुद सुमुल ने किया है, और यहाँ सुमुल की भी उसमें इतनी गलती नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ सुमुल को अपनी मीठी बातों में फंसाते हैं शालीन और टीना। हमने बार बार देखा है किस तरीके से यहाँ शालीन जो है सुमुल के पास जाता है, किस तरीके से उनको अपनी बातों में लेता है, किस तरीके से टीना जो है मीठी बातें करती है और सुमुल को अपनी बातों में ले लेती है, और सुमुल यहाँ खुद कहती हुई नजर आई है कि वो जो है यहाँ जल्दी मुद्दों पर बोल नहीं पाती है, वो जो है कुछ बातों को अपने दिल में ही रख जाती है। जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ सुमुल ने कहा था कि टीना मैं ज़्यादा बातें बोल नहीं पाती लेकिन आप जो है किचन में डोमिनेट हो, तो कहीं ना कहीं सुमुल का वही रूप हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो है यहाँ अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, नहीं बोल पाती हैं, और उसी का यहाँ फायदा उठाया जा रहा है। उसी लिए यहाँ सलमान खान से उनको यहाँ फटकार देखने को मिली, सलमान खान ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन यहाँ उसमें सुमुल की भी गलती माननी ही पड़ेगी क्योंकि सुमुल जो है खुद इन मुद्दों पर बात करने के अलावा इन मुद्दों में और ज़्यादा घुसती है। उनके पापा ने उनको समझाया, जाकर सॉरी बोला, सलमान खान ने उनको समझाया, फिर भी वो नहीं समझी, अब फिर से कल फटकार लगाई है, फिर से उन्होंने जाकर एपिसोड में बात करी है यहाँ शालीन से, फिर से वो जो है यहाँ शालीन जब उनसे रूड हो रहे हैं तो उस पर गुस्सा दिखा रहे हैं, वो कह रही हैं कि मुझसे कम से कम प्यार से बात तो कर ही सकते हो। अरे भाई वो तुमसे अगर गुस्से में बात कर भी रहा है तो तुम भी उससे गुस्से में बात करो, तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो प्यार में बात करे, तुम कह दो भाई नहीं दे रही जा आके ले ले, ऐसे भी तुम आपको रिप्लाई दे सकती थी आप उन्हें, लेकिन आपने क्या कि नहीं आप जो है मेरे भूल गई मैं ये कही, तो आप भी कहीं ना कहीं अब उनसे यहाँ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो वही बात यहाँ हम आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सुमुल भी गलतियाँ कर रही है, अब उसे आप बचपने में ले लीजिए, हाँ वो बच्ची है, हाँ उसने यहाँ ऐसा माहौल नहीं देखा है, कहीं ना कहीं इसी के चलते वो जो है फंस जाती है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से उसका करेक्टर एसेसिन करना
कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं उनको यहाँ इतनी बुरी तरीके से आप कह सकते हैं कि नहीं दर्शाना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, राय आप अपनी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ चाहते हैं कि हम जो है इसी तरीके के वीडियो बनाएं और यहाँ रिव्यूवर्स का भी रिव्यू आपको दिखाएं, तो वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।